Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हम क्या सीख सकते हैं चाइना से? आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर इतनी सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई मार्केट नहीं होगा जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बिक रही है। तो क्या सीखे, कैसे किया उन्होंने? हमें भी आजाद होके 70 इयर्स हो गए। ये जो भी चाइना ने इतना सारा काम किया हुआ है वो लास्ट 25-30 साल का करिश्मा है। अगर वो चाइना कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तो क्या सीखे, क्या हम लोग जानते हैं? क्योंकि चाइना को लेके अभी भी अगर बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी गलतफहमियां हैं। चाइना सस्ते में देता है, सस्ता देता है, क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूं, जो एक सबसे बड़ी मान्यता है चाइना को लेके कि चाइना सस्ता इसलिए देता है क्योंकि वहां का लेबर कॉस्ट सस्ता है। हम 17% है, वो लोग 19% है दुनिया का, तो लेबर कॉस्ट सस्ती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, विकिपीडिया पे सर्च कीजिए चाइनीज लेबर कॉस्ट। हमसे एटलीस्ट 5 गुनी लेबर कॉस्ट चाइना की है, 5 गुनी। तो चाइना तो हम अप्रोक्सिमेटली कॉस्ट हमारी भी सस्ती है। दूसरा रीजन होगा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली चाइना ने लास्ट 25-30 सालों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा किया है कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए इतने बड़े लेंस बनाए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, एकोमोडेशन इजी हो गया, लेबर कॉस्ट का जो उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज किया है उसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती हो गई और जो कम्प्यूटेशन का खर्चा लगता है वो कम हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर भी स्लोली ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। अभी हमने देखा ना, वो मेरठ और दिल्ली का हाईवे बन रहा है, 14 लेन बन रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर एस्पेक्ट बेसिकली जो हम लोग अभी धीरे धीरे करके चाइना को लेकर कॉम्पीट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और हम लोग कर ही रहे हैं। तो तीसरा रीजन हो गया मास प्रोडक्शन। आई टोटली एग्री कि चाइना एक सिंपल लॉ है मार्जिनल कॉस्टिंग का कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उसकी कॉस्ट डाउन होने वाली है। चाइना वही करता है, एक सुई बनाए या एरोप्लेन बनाए करोड़ों में बनाता है। करोड़ों में बनाने के कारण बेसिकली वो बिजनेस उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकता है। तो हमारा सवाल है, हम लोग नहीं बढ़ा सकते? आई एम गिविंग यू गारंटी, हमारे पास भी वो करने की क्षमता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो सोचिए कि आज अगर आप कोई चीज 10,000 बना रहे हैं और कोई पार्टी आके बोलती है कि मुझे 10 लाख चाहिए, तो नहीं बना पाओगे? बना पाओगे ना, मुझे पता है बना ही सकते हो, पर सवाल ये आएगा कि सर वो पार्टी कहां से आएगी? चाइना यही चीजें अच्छी तरह समझ चुका है। हम लोग इसी चीज को लेके, चाइना ने एक ही चीज समझी, पूरी दुनिया को अपना मार्केट बनाया। उन्हें समझा है कि हर एक मार्केट के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए और हर मार्केट की टोटल क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का रोल आता है कि चाइना अगर पूरी दुनिया को समझ मार्केट समझ के प्रोडक्शन बना रहा है, हम लोग हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में या हमारे ज्यादा से ज्यादा नियर बाय स्टेट के अंदर का सोचते हैं, चाइना पूरी दुनिया का सोचता है, इसीलिए वो मास प्रोडक्शन कर सकता है। हमारी भी कैपेसिटी अगर हम लोग करना चालू करें तो फिर से चौथी चीज होगी शायद सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स। ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चाइनीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बेनिफिट्स देती है उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी देती है। और अब तो मोदी जी आ जाने के बाद वो तो पूरी दुनिया में जाके डंका बजा रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट की और इंडियन कॉस्टिंग को लेके। आपको सिंपल एग्जांपल याद दूं तो जब मोदी जी नए नए पीएम बने थे वो यूएसए जाते थे, कनाडा जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, हमेशा एक चीज के बारे में बात करते थे, मंगलयान के बारे में कि हमने मंगलयान भेजा। और उसमें भी स्पेसिफिकली एक अहमदाबाद को लेके एक जुमला कहते थे कि 10 रुपए किलोमीटर में अहमदाबाद में रिक्शा घूमती है और 7 रुपए किलोमीटर में हम लोग मंगल तक पहुंच गए। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो मंगलयान तो हमने ढूंढा, तो भाई उनको कौन समझाए? वो मोदी जी मंगलयान की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया इज फार मोर चीपर, कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। और उसी का नतीजा है उसके 2-3 साल के अंदर जो आज तक चाइना नहीं कर पाया वो हमारे इसरो ने 104 सैटेलाइट हवा में छोड़ के दिखाए। और यही सबसे बड़ी इंडिया की स्ट्रेंथ है। पर ये जब तक हम लोग चाइना के बारे में जानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर अगर हम लोग कोई भी खोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 4 टाइप के न्यूज़ होते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़ टीवी न्यूज़ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 4 न्यूज़ होते हैं, या तो बलात्कार हो रहा है, या तो चोरी हो रही है, या तो कौभांड हो रहा है, या बेसिकली खून खराबा हो रहा है।
उसके आगे इंडिया के कुछ नहीं होता है। आप बताइए मुझे, आपके पहचान में कितने लोग हैं जो कौभांडी है? कितने लोग? हर एक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे कोई ऐसा करप्टर बंदा नहीं है। इवन चाइना के अंदर भी करप्शन उतना ही है, पर लोगों को वो दिखाते हैं अच्छी चीज है। हम लोग भी हमेशा, हमारे घर पे कोई भी आता है तो अच्छी चीजें दिखाना पसंद करते हैं, बट हमारी मीडिया हमें दिखाती क्या है, हर चीज करा, और उसी चीज पूरी दुनिया के अंदर जाती है। तो इसीलिए जानना जरूरी है, चाइना को बारीकी से समझना जरूरी है। अगर वो 25-30 साल के अंदर पूरे चाइना के अंदर इतना बड़ा डेवलपमेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और हम तो फिर भी डेमोक्रेटिक है और लोगों के पास राइट्स है टू इलेक्ट अवर गवर्नमेंट, एंड दैट्स द बिगेस्ट ट्रेंड व्हाट वी ऑलवेज हैव एज एन इंडियंस। सो एंश्योर करो, बस समझो चाइना के बारे में, सच्चाई जानो। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी ये चीज कर सकते हैं, पर जब हम लोग मानना चालू करें कि हम लोग ये कर सकते हैं, बदलाव तभी आएगा। मोदी जी आज है, शायद अगले 5 साल है, बट हमें तो अगले दूसरे 35-40 साल इस देश में निकालने हैं। तो जब तक आज हम नहीं बदलेंगे तब तक हमें और कोई नहीं बदल पाएगा। सो आज ही रेडी हो जाइए अपने आप को बदलने के लिए। थैंक यू।